प्रियंका रावत जी को इस बार उपेंद्र जी को अगर जिता करके नहीं भेजा होता तो मान हाँ बन गए भैया बन गए, दूसरी बार सांसद बीजेपी का बना दिया, डबल इंजन की सरकार बन गई। अब क्या चाहिए केशव प्रसाद मौर्य जी, अब तो समस्या का समाधान कर दियो। डबल इंजन की सरकार तब हो आज तक देख लो भैया, यो फाटक के ऊपर पुल का निर्माण नहीं हो पाया। बार बार भैया माननीय आते निरीक्षण करके चले जाते हैं, लोग वीडियो बना बना हमका भेजते कि देखो समय देखो यहाँ बंकी के लोग बहुत परेशान है, आ जाओ भैया फाटक के नीचे मुंडी झुका करके बच्चों को लेकर के आना जाना पड़ता है, दुर्घटना को दावत दिया करते हैं। एम्बुलेंस बेचारी फंसी रहेगी तो इंतजार क्या करते हैं कि जब भैया फाटक खुली है तब जा पाएंगे, वरना मरीज के साथ चाहे जो हो जाए ज्यादा कुछ कह दो तो दिक्कतें हो जाएगी। अब बाराबंकी जिले के सफदरगंज क्षेत्र में कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, बड़ी बड़ी बातें करके चले गए भैया, और दूसरी बार भैया हम लोग तो सांसदों जी बना दिए, एक बार प्रियंका सिंह रावत का बना दिए और अभी वर्तमान में सांसद उपेंद्र रावत है। लेकिन वर्तमान की स्थिति देखो भैया, मंकी रेलवे क्रॉसिंग के पास बेचारे आज लोग परेशान है रहते हैं भैया, मुंडी झुकाए आवत है मुंडी झुकाए जाते हैं, बेचारे क्या करें मजबूरी है, अब तो आदतों पड़ गई है। पर केशव प्रसाद मौर्य जी का बोरी नहीं, सुन लो भैया पोस्टर पर तो कोई सांसद का फोटो नहीं दिखा रहा है, चाहे पूर्व के हो चाहे वर्तमान के हो भैया, अब लगा था कोई नया चेहरा तो ना नहीं है, तनिक सुनो का बता तो रहा है। अगर आपने आशीर्वाद नहीं दिया होता, आपने समर्थन नहीं दिया होता, आपने लोकसभा में यहाँ से पिछली बार प्रियंका रावत जी को इस बार उपेंद्र जी को अगर जिता करके नहीं भेजा होता तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत नहीं होता, और अगर बहुमत नहीं होता तो इस प्रकार के काम नहीं होते। अभी मैं कुशवेश जी जिलाध्यक्ष है, आपके मेरे संकट के आ रहे थे, मैंने कहा आपको अयोध्या जाने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, उन्होंने कहा हम द्वारपाल हैं, अयोध्या जाने वालों का स्वागत करते हैं अयोध्या की ओर, ये सच है। हाँ माननीय मंत्री जी आपकी बात है तो बहुत अच्छी अच्छी हमको लगती है, लेकिन कहा बताइए बाराबंकी जिले बंकी के लोग बहुत परेशान है, तनिक उन्होंने समस्या का समाधान कर दियो, तनिक सिफारिश कर दो, डबल इंजन की सरकार है और चेहरा तो हर बार बीजेपी बदला करती है। सच तो ये भी है भैया कि पिछली बार प्रियंका सिंह रावत रहा है, आपकी बार उपेंद्र सांसद बने और आगे ना जाने कौन बनेगा 24 में, हम ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे, बस स्थानीय लोग बंकी के लोग बहुत परेशान है, वीडियो बनाया उनका भेजा करते हैं, हमने कहा तनिक आपको दिखा दें, बाकी भाई अगली खबर देख लेते हैं। हम सुभाष आर्मी के संस्थापक अरविंद सिंह रावत ने भैया एप्लीकेशन लिखा है मुख्यमंत्री जी को कि नशा मुक्ति का अभियान चलाने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री जी के आवास पर बिना श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, इस हत्याकांड की जांच होनी चाहिए, वो भी सीबीआई जांच करे। अब तनिक सुनो भैया अरविंद सिंह रावत जी क्या बता रहे थे। कष्ट है कि माननीय जी के घर में ही शराब पी जा रही है, जुआ खेला जा रहा है और हत्या की जा रही है। हाँ अरविंद रावत जी की बातें सुनेंगे नहीं सुने आपने भैया, देखो इनकी बातें सुनी जाती है कि सुनी जाती है, एप्लीकेशन लिखी ना मुख्यमंत्री जी का, पत्र लिखी ना, अब देखो भैया नशा मुक्ति का अभियान चलाने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री जी के घर पर इतना बड़ा कांड हो गया तो भैया वाकई में सवाल तो उठेंगे ही और सीबीआई जांच की तो मांग भी उठ रही है, तो वीडियो शेयर करा लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैसेज को सुन लीजिए तो बात बैंक के और आपकी कार्यक्रम कीजिएगा।